दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे खेल खेल में के छठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 5 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था, जबकि इस दिन इंडिपेंडेंस डे की नेशनल हॉलीडे थी। वही फिल्म ने अपने दूसरे दिन में 2 करोड़ का, तीसरे दिन में 3 करोड़ 18 लाख का, चौथे दिन में 4 करोड़ का और अपने पांचवे दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 2 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया। पांचवे दिन में रक्षाबंधन की हॉलीडे थी, उसके बावजूद फिल्म कलेक्शन में कोई बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा। इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 16 करोड़ 36 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 5 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 25 करोड़ 30 लाख हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के छठवें दिन की कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने छठवें दिन में इंडिया में लगभग 1 करोड़ 60 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म का बजट तकरीबन 125 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हो चुकी है। ये फिल्म अक्षय कुमार की इस साल की उनकी तीसरी फिल्म थी और तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई है। पोस्ट पैंडेमिक के बाद अक्षय कुमार की बस सूर्यवंशी और ओ माई गॉड 2 बॉक्स ऑफिस में सफल रही है। उसमें भी ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार का सपोर्टिंग रोल था, लीड रोल में पंकज त्रिपाठी थे। बाकी उनकी जितनी भी फिल्में आई है बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप डिजास्टर हुई है। अक्षय कुमार की अब इतनी फिल्में आने लगी है कि लोग उनकी शक्ल देखकर ही बोर हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अक्षय कुमार की अगर कोई अच्छी फिल्म भी आएगी तो लोग उस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे, इसलिए अक्षय कुमार को अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। वहीं बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिले। अच्छा दोस्तों आपके हिसाब से अक्षय कुमार को ब्रेक लेना चाहिए या ऐसी हर साल 3-3, 4-4 फिल्में करते रहने चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।